जीतने के लिए पूरे मीडिया में कह दिया कि मंदिर बनाने के लिए 200 मीटर जगह दे रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख कौन है इस धरती पे भाई? हमारी 12,500 गज जगह ले लो, 200 मीटर हमें दे दो, और वो भी आपके शर्तों पे। ना हम वहां पर खा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना अपने गुरु का प्रचार कर सकते हैं। क्या ये कंडीशन किसी और समाज पे लागू की गई? तो हम क्या वो जो एक साइंस की लेबोरेटरी होती है वहां पर एक मेंढक होता है जिस पर सारे परीक्षण किए जाते हैं, तो क्या सारे परीक्षण हम पे ही करने हैं? समय बीता जा रहा है, सरकार को सिर्फ हम 10 अगस्त को भी हमने हाथ जोड़े थे, आज भी हाथ ही जोड़ रहे हैं कि हमारे जो गुरु, हमारे जो रहबर, जो हमारे पिता हैं सतगुरु रविदास जी, उन्होंने किसी के खिलाफ कोई लाठी नहीं उठाई, किसी को गाली नहीं दी और सबको अपना शिष्य बनाया। आज हम उनके अनुयायी हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हमें उन्हीं की तरह रहने दिया जाए। पर मेरे गुरु ने साथ में मुझे ये भी सिखाया कि जैसे मधुमक्खियां अगर कोई उन पर आक्रमण करे तो पूरे जोर से मधुमक्खियां अटैक करती हैं, तो हम अगर शांति दूत रहकर काम करना जानते हैं तो मक्खियां बनके काटना भी जानते हैं। हम चाहते ही नहीं किसी से लड़ाई करना। प्यार से बार बार वही बेनती है, वो सरकार की जगह नहीं थी, वो गुरु रविदास महाराज के नाम पर मौके के सुल्तान ने हमें दी थी, उसमें से बहुत सारी जगह तो ऑलरेडी या तो मनुवादी ताकतों ने छीन ली या सरकार ने छीन ली, अब तो थोड़ी बची है, कृपया करके हमें रहने दें। दे अगर कुछ चाहिए तो वो भी हम देने को तैयार हैं, बराए मेहरबानी हमारा खून ना मांगे, खून बड़ा अनमोल होता है, हम नहीं चाहते कि हमारे किसी साथी का खून वहाँ बहे। पर अगर मजबूर किया गया तो खून भी बहेगा, बहाना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि अगर कोई समाज शहादत देना नहीं जानता तो वो राज भी प्राप्त नहीं कर सकता। राज हमने लेना है, तैयारी करिए। मेरी कुछ समय पहले संत बागमारे साहब से बात हुई थी कि 15% या 7.5% और जोड़ लें जीएसटी की, 22 आदमी सरकार नहीं बना सकते, सरकार 51 बनाएंगे, जब भी बनाएंगे 51 जब होंगे तो सरकार बनेगी। तो आप सब तैयारी करें कि इस बार नहीं तो अगली बार जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो तो हम 543 की 543 पे लड़ें। जिस दिन 543 पे लड़ के 280 हमारे आ जाएंगे, राज हमारा हो जाएगा। हो सकता है कि हम अकेले नहीं हो तो हमें उनको जोड़ना है जो हमारे साथ हैं, ना कि वो जो हमें मीठी मीठी बातें करके फुसला के हमारी वोटें ले लें और बाद में हमारे को तोड़ दें और अपना काम चलाएं। शायद जब ये हालात सरकार बने, हमारे में से मैं नहीं हूँ, आप में से भी कुछ नहीं हूँ, पर जो बचेंगे वो मौज करेंगे। क्यों? गुरु रविदास महाराज कह के गए हैं, सुख चाहते हो तो दो जगह है, या मरगढ़ गांव में या अपने राज में। मरगढ़ गांव हम जाना नहीं चाहते,
क्यों? मरना मैं भी नहीं चाहता, मरना बाकी भी नहीं चाहते। तो राज अपना होगा तो मौज हो जाएगी। आज जिसका राज है वो मौज कर रहा है, जिसको देख रहा है डंडे मार रहा है, जिसको देख रहा है काट रहा है। पर हम जब राज लाएंगे किसी को नहीं मारेंगे, किसी को नहीं काटेंगे। मेरे गुरु रविदास महाराज ने बेगमपुरा शहर बसाने की बात की है, हम बेगमपुरा ही बसाएंगे। हम चाहते हैं कि उस बेगमपुरा में सारे बराबर के निवासी हो जाए। आदेश शायद थोड़ी देर में हमें मिल जाएगा, पर मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि ये सरकार हमें कुछ देगी। उन्होंने 21 तारीख निकाली थी, निकाल ली उन्होंने। अब जिन हमारे मूर्खों ने उनको वोट देनी होगी दे दी होगी। क्यों? जो कुछ हमें चाहिए वो हमारे को देने को तैयार है, वो बात करे। आज हमारी नौकरी नहीं है, हमारा व्यापार नहीं है, अभी हमारा मंदिर गया है, फिर हमारे घर जाएंगे, फिर हमारी बहु बेटियों के साथ वही होगा जो मनुवादी पहले करना चाह रहे थे। क्या आप सारे इसके लिए तैयार हैं? मेरे ख्याल से कोई तैयार नहीं होंगे। हमें वही जो एक हमारी बेटी ने फूलन देवी ने किया था उसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि अपनी बेटियों को माँ तैयार करे कि अगर ये मौका आए तो एक की जगह 10 को मार के जाएं। हमें नहीं मंजूर, बहुत हो गया हमारी बहु बेटियों के साथ, नहीं ये मंजूर नहीं है। सरकार अगर हमारे समाज की बहु बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो एक अलग मापदंड अपनाती है, और एक जो मनुवादी के साथ हो जाए तो अलग मापदंड है, वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा संविधान कहता है यहाँ के हर निवासी एक बराबर है, हमें एक बराबर ही चाहिए। जो पोरस की बात मुझे याद आती है, जब सिकंदर ने पोरस को जीत लिया तो पोरस से पूछा गया तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने यही कहा था जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा व्यवहार मेरे साथ होना चाहिए। हम भी इस देश के पहले राजा थे, अब राजा नहीं है पर बन जाएंगे। क्यों? घड़ी में जब 12 बजते हैं तो 6 बजते हैं, फिर दोबारा 12 बजते हैं। ये घड़ी है, काल चक्र है, चल रहा है, चलता रहेगा। कल हमारा था और कल हमारा होगा, इस पे विश्वास रखिए। आपके अंदर बहुत ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल सही जगह करें। खाली हम नहीं चाहते किसी से लड़ाई, हम नहीं चाहते से विरोध, हम सबके साथ एक साथ रहना चाहते हैं, प्यार से, सौहार्द से। आज मेरे सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में बेनती है कि जो कोर्ट फैसला दे, जैसे सतगुरु रविदास महाराज ने उस समय की मौके की सारी सरकारें झुका दी, तो आज सतगुरु रविदास महाराज वहाँ पर जो मौके पे बैठे हैं उनको सन्मति दे कि वो जो हमारी चीज़ है हमें लौटा दें, ताकि हम अपने घर जाएं और सारी खुशियाँ एक दूसरे से बांटें। मेरी अपने पूरे समाज से एक बेनती है यहाँ से, मानना या नहीं मानना वो आपका काम है। आज तक हम इनका त्यौहार सारे मनाते आए हैं, चंद दिनों बाद ये कहेंगे दिवाली मनाओ और आपका दिवाला निकालेंगे। सारा नकली सामान मार्केट में बेचा जाएगा और आपके पैसे खराब किए जाएंगे। कुछ दिन पहले कुछ जो लोग दुकान चलाते हैं उन्होंने अपना एक विरोध प्रदर्शन किया कि लोग मोबाइल पे ई कॉमर्स के द्वारा सामान मंगा रहे हैं। उन्होंने बड़ी तादाद में सामान मंगवाया और जब वो सामान आ गया, जिस कंपनी में वो सामान बेचा उसने आगे से खरीदा था, उसके घर में तो बन नहीं रहा था, पर उन्होंने वो डिलीवरी से मना कर दिया। एक तरीके से उसको बड़ा भारी एक आर्थिक नुकसान पहुंचाया। आज अगर हम दिवाली मनाएंगे तो हम उनका घर भरेंगे, अपना घर खाली करेंगे। एक हमारे गुरु की पगड़ी उछाल दी गई है, हमारे घर में जिस घर में मौत हो जाए उस घर में दिवाली नहीं मनती। एक दिवाली हमारा त्यौहार नहीं, दूसरा ये दिवाली हमारे लिए काली दिवाली, वाकई काली दिवाली है। हमारे समाज के लिए
मैं विशेषकर रविदासिया समाज के लिए कह रहा हूँ, पर बाकी जो समाज बैठा है मैं उनका उतना ही सम्मान कर रहा हूँ। रविदासिया समाज के लिए दो दिवालियाँ आती हैं। पहली दिवाली आती है जब हमारे रहबर सतगुरु रविदास महाराज का जन्मदिन आता है, पहली दिवाली वो। दूसरी दिवाली जिसने हमें आज़ादी दी, यानी 14 अप्रैल को जिस दिन हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जन्मदिन होता है। तो ये एक दिवाली मनाते हैं, हम दो दिवाली मनाएंगे। आप यहाँ से प्रण करके उठना कि आपके घर में कोई दूसरा समाज आ जाए, कोई नहीं, उसकी तो विशेष हमने लेनी है, उसको विशेष देनी भी है। पर जो हमारे समाज का है तो उसको थप्पड़ मारे कि बाप मर गया, बाप की पगड़ी तो उछाल दी गई, तू दिवाली लिए घूम रहा है। दिवाली मनाएंगे 9 फरवरी 2020 को, जिस दिन सतगुरु रविदास महाराज का हम जन्मदिन मनाएंगे। उसके बाद मनाएंगे 14 अप्रैल 2020 को, जब हम अपने भारत रत्न बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे। तो मैं इस विश्वास के साथ कि शायद सतगुरु रविदास महाराज की कृपा आतताइयों पर हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।